17 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुलवाए और गरीबों की अमीरी को देखा है। और मैं इन गरीबों की अमीरी को आज लाल किले की प्राची से शत शत नमन करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं। हिंदुस्तान का कोई जिला, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू ना हुए हो। क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर एक पर पहुंचेगा। वन रैंक वन पेंशन, ये विषय हर सरकारों के सामने आया, मेरे आने के बाद भी अभी तक मैं इसको कर नहीं पाया। सिद्धांत है, इस सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की बात को स्वीकार किया है। उसकी नीति गीटी को देख करके लागू कैसे किया जाए, उसके लिए संबंधित लोगों से बातचीत करते हुए हमारी बात को आगे हम बढ़ा रहे हैं। अगर देश की एकता बिखर जाए तो सपने भी चूर चूर हो जाते हैं। और इसलिए चाहे जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें किसी भी रूप में जगह नहीं देनी है। ये स्वच्छ भारत के अभियान को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिली है, उसके सबसे बड़े ग्रैंड एम्बेसडर कौन है? हिंदुस्तान में ऐसे कोटि कोटि परिवार हैं जिन परिवारों में 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के बालक ये स्वच्छ भारत अभियान के सबसे बड़े एम्बेसडर बने हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत बातें होती हैं। भाइयों बहनों, मैंने कभी ये घोषणा नहीं की है, लेकिन आज मैं हिसाब देना चाहता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया को कहना चाहता हूं कि ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है।